नमस्कार, MSW न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नीट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। तमिलनाडु नीट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुके हैं, जो फर्स्ट जो काउंसलिंग है उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है, और जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों को, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, कट ऑफ में नाम आ गया है, उन बच्चों को अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। यह जो तमिलनाडु जो नीट की है ऑफिशियल वेबसाइट है www.tnhealth.org। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस साइट पर जाकर के जो अलॉटमेंट लेटर वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूं मैं, जैसे आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन में मिलेगा सबसे पहले डाउनलोड कॉल लेटर फॉर BDS। अगर आप इसके लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। वहीं MBBS और BDS के लिए क्लिक लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। साथ के साथ हम आपको बता देते हैं कि अगर आप MBBS के लिए स्टेट कोटा के तहत तो अगर कोई भी जो कट ऑफ लिस्ट आती है BDS के लिए नहीं, सिर्फ MBBS के लिए आती है, तो भी आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वहाँ पर क्लिक करके आप वो जो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको क्या किस किस जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आप इन पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा लिंक खुल जाएगा जिसमें आपको, ये SFBDS के लिए है, इसमें आपको जो है एंट्री ARNO भरना होगा, अपना ARNO और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, इन दो चीज़ों को भरते ही आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और कब तक जो है आपको वहां पर जा कर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। उसके लिए शेड्यूल जारी हो चुका है और उस पर हमने कई वीडियोज बनाई है, इसलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। और अगर आपको आपकी हम कोई मदद कर पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट और छूट ना पाए। और अगर आपका इस बार नहीं हुआ है तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपका साल बर्बाद होने से बच सकता है, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वहीं अगर आप जो है कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं मैनेजमेंट BDS के लिए, तो इसके लिए भी आपको अपना सेम जो आपका ARNO था वो इसमें फिल करना होगा, साथ के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भरनी होगी। उसके बाद आपका जो है ये खुल जाएगा लिंक, और उसके बाद आप यहाँ से अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर को। और हम आपको बता दें कि अलॉटमेंट लेटर आपको जैसे मिल जाता है जब आप काउंसलिंग में जाओगे, तो आपका अलॉटमेंट लेटर के साथ साथ अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाने होंगे। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ के साथ आपको कुछ कॉपी रखनी होगी और फोटोज भी आपको कम से कम 7 से 8 फोटो आपके पास जरूर होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर के चेक कीजिएगा, आपकी बहुत सारी मदद हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।